दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के सदस्यों एवं दिव्यांग जनों के द्वारा महापौर के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार का जन्म दिवस मनाया गया। समन्वय सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों के द्वारा किए गए सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने कहा कि उन्होंने हमेशा से ही निशक्त जनों को सामान्य मनुष्य की तरह माना है और यही वजह है कि वो दिव्यांगों के लिए सेवा भाव से कार्य करते हैं। दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के सदस्यों ने समन्वय सेवा केंद्र में समाज सेवी एवं भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार का जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर दिव्यांग जन भी मौजूद रहे। एक ही संकल्प है, एक ही विचार है, जबलपुर का विकास मेरे हाथों से अगले 5 वर्षों तक निरंतर हो, भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है। असंख्य लोगों ने सहयोग दिया है, असंख्य लोगों का समर्थन मिला है। आज भी यहाँ पर बधाइयाँ देने के लिए लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से फ़ोन उठा उठा करके और फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी है। भगवान की कृपा है, जबलपुर ने इतना प्रेम दिया है, अब कुछ थोड़ा बहुत जबलपुर को लौटाने का प्रयत्न करने वाला हूँ। डॉक्टर साहब का जन्मदिन था, मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देने आया हूँ और उनके मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको एक अच्छी पोजीशन में, जिस पोजीशन में हम देखना चाहते हैं, उस पोजीशन को दिलाए। और डॉक्टर साहब बहुत ही मिलनसार हैं, सभी समाजों में उठना बैठना है। और सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर साहब के पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मतलब संस्था में काम करने का, तो वो एक तजुर्बा जो है वो शहरवासियों के बहुत काम आएगा अगर शहरवासी डॉक्टर साहब की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आने वाले समय में शहर के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को उनके जन्म दिन पर उनके जीवन में अनुभव का एक और साल जुड़ गया है। साथ ही उन्होंने दिव्यांगों के प्रति आभार जताया और कहा कि उन्होंने कभी भी दिव्यांगों को सामान्य लोगों से कम नहीं समझा है, वो आगे भी निशक्त जनों के लिए सेवा कार्य करते रहेंगे।